नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं एसआरबी न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की सिंगल डोज कम प्रभावी साबित हो रही है। यूके सरकार की नई रिसर्च के मुताबिक कथित रूप से भारत में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट से मजबूत सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन की दो डोज लेना जरूरी है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के आंकड़ों के अनुसार वैक्सीन की दो डोज ने भारत में पाए गए वेरिएंट के खिलाफ 81% सुरक्षा प्रदान की है। वहीं दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के कैंट में पहली बार पहचाने गए B.1.1.7 वेरिएंट के खिलाफ 87% सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच CM योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि कोरोना दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनकी संपत्ति भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही CM योगी ने दावा किया कि सरकार 30 मई तक कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल कर लेगी। कोरोना संकट के दौर में कई अहम दवाओं की कालाबाजारी बढ़ गई है और इस पर अंकुश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि कोरोना दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी पर लगे शिक्षकों की कोरोना से मौत के बाद अब प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश में कोरोना का असर कम होते ही आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है और अपने गृह जनपद अयोध्या पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सवाजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षकों की कोरोना से मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार मृतक शिक्षकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और उनके परिवार को 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दे। पिताजी को जैसे ड्यूटी पे गए थे उनके बाद से उनको बुखार आना चालू हो गया। तो पहले आए, जिस दिन आए तो उस दिन नहाए तो बोले मुझे ठंडी लग रही है मेरे को, लेकिन डोलो देख के वो अलग रूम में सो गए क्योंकि था कि इधर था कि कुछ अलग ना हो जाए, अगर सही हो जाता है तो ठीक है। जैसे दो दिन के बाद गया हम लोग की मौसी भी ख़त्म हो गई थी इसलिए हम लोग उधर बिजी थे, लेकिन उनको डॉक्टर को दिखाने को बोल दिया था। हाँ, तो वहाँ पे पता चला कि पहले डॉक्टर को दिखाया था टाइफाइड है। नॉर्मल फ़ोन से बात करके उन्होंने पता किया कि डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, तो बात अट के तो उनको पता चला कि बीमार है, मतलब टाइफाइड वाइफाइड का लक्षण है ये सब। ब्लड टेस्ट बाद में करवाया, पहले तो टाइफाइड से पता चला कि टाइफाइड है, फिर लगा कि सही नहीं हो रहे तो हम लोगों ने बोला चलो कोरोना जांच भी कराए थे, तो उधर साइड हम लोग कोरोना जांच कराए तो जो फर्स्ट नाक से होता है उसमें निगेटिव आया, तो रात में दूसरा आया ही नहीं हम लोग के पास, मैसेज आना चाहिए कुछ भी आना चाहिए उन्होंने उनके फ़ोन में नहीं आया। तो हम लोग ठीक है, फिर डॉक्टर को दिखाया, एक डॉक्टर यहाँ पे पर्सनल वहाँ पर बात किए उनको दिखाया तो उन्होंने बोला नॉर्मल कोई बात नहीं है, टाइफाइड ही है, आप टेंशन मत लीजिए। फिर भी सही नहीं हो रहा था तो वापस उनकी सांस हल्की फूल रही थी तो मेरे को लगा क्या चीज़ है, वापस मैं लेके दौड़ा उनके पास तो उन्होंने बोला जांच पे लिखा कि एक बार जांच करा लीजिए कोरोना का। तो हम लोग ने प्राइवेट में जाके जांच कराया, वहाँ पे पता चला कि उनको कोरोना है। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे बेड मिल नहीं रहा था, तो हमें बोला ठीक है घर पे, इतना ज़रूरत नहीं थी उनको, ऑक्सीजन ठीक था चल रहा था उनका, तो हम लोग घर पे लाके इलाज कर रहे थे। लेकिन 28 को थोड़ा घबराहट हो रही थी वो 20। उत्तर प्रदेश सरकार जहां कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं यूपी के बस्ती जिले में हत्या के प्रयास के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और आरोपियों की पुलिस से नज़दीकियों की पोल खोल रहे हैं। विगत दिनों चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट और फायरिंग में सीकरी पुलिस ने एक पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वहीं दूसरे पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करने में पूरी तरह फेल साबित हो रही है। इस घटना में आरोपियों को सत्ता के नेता का संरक्षण होना बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और पक्ष कनिकापुर गांव निवासी बबलू विश्वकर्मा की तहरीर पर 8 नामजद समेत 60 अज्ञात लोगों के विरुद्ध गौर पुलिस ने हत्या के प्रयास और बलवा सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा तो पंजीत कर लिया, फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने का साहस नहीं जुटा पा रही। यूपी के बहराइच में राम गांव क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारात में आई 10 वर्षीय बच्ची की हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और अभियुक्त की तलाश में जुट गई। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो चुकी हैं। ग्राम धर्मनपुर में एक बारात आई थी, ये बारात थाना हरदी के सिपहिया प्यूली से आई थी। बराती पक्ष की एक लड़की को रात में जयमाल के समय किसी व्यक्ति द्वारा चलाए गए फायर से चोट आई थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है।
मृतका के पिता की तहरीर पर इसमें से संगत धाराओं में थाना रामगांव पर अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त की तलाश और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दुनिया भले ही 21वीं सदी में जी रही है और लोगों ने चांद पर जमीन लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर धरातल पर रास्ते भी नहीं हैं। आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला यूपी के भदोही में अभोली ब्लॉक के रामनगर बगाही गांव का सामने आया है, जिसकी आबादी करीब 1000 बताई जा रही है। वहीं इस गाँव में आने के लिए कोई भी पक्का संपर्क मार्ग नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख नीति से जो खड़ंजा पहले लगाया गया था उसे भी इंटरलॉकिंग के नाम पर उखाड़ कर अधूरा छोड़ दिया गया है। आपका नाम क्या है? रमेश सिंह। गांव क्या है? गांव बगाही है, रामनगर। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये काफ़ी दिनों से बनी हुई है। यहां किसी भी अवसर पे कोई भी वाहन किसी के घर पे नहीं पहुंच सकता है, चाहे मैयत हो जाए चाहे शादी ब्याह का ऑफर हो, तमाम बाधाएँ इस रास्ते में बनी हुई हैं और हम लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें कुछ सुधार हो, लेकिन कभी कोई सुधार नहीं हुआ। चुनाव के अवसर पर सभी आते हैं, वादा करते हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद सब चले जाते हैं। यानी जनप्रतिनिधियों से खासा रोष है आप लोगों का? खासा रोष है, कोई भी काम हुआ ही नहीं है। आपका नाम क्या है? अवधेश सरोज। हमारा अवधेश सरोज है, ग्राम सभा रामनगर है, बगाही मौजा है ये। और आज कई सालों से प्रधानी हर चुनाव बीतता चला जा रहा है, प्रधानी हो चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायती हो, विधानसभा हो, सांसदी हो, लेकिन कोई भी यहाँ पे जीतने के बाद झांकने वाला नहीं है। लेकिन अभी भी बताया गया है मिट्टी का कार्य ग्राम के श्रमदान द्वारा बनाया गया है। ये हम लोग अपने से ही ये काम करते हैं, जब देख लेते हैं जब कोई नहीं आने वाला है तो हमारे ग्राम सभा जितनी भी जनता है, आम जनता, यहाँ लोग खुद फरसा फावड़ा लेके जहुआ लेके खुद लपट जाते हैं, अपने काम को स्वयं किया जाता है। ग्राम प्रधान कौन है, सेक्रेटरी कौन है? इस समय वर्तमान में ग्राम प्रधान तो राकेश पेंटर है। उससे पहले कौन थे? इससे पहले सूर्यभान सिंह है। सेक्रेटरी यहाँ पे मुख्य वर्तमान में मुकेश सरोज है। ठीक, बताइए जी भैया, ये रास्ता यहाँ कच्ची सड़क है और ये रास्ता अभी रास्ता है नहीं, लेकिन हम लोगों यहाँ पर कुछ बनाकर श्रमदान करके कच्चे से कैसे भी आते जाते हैं और इस रास्ते से कोई रास्ता लिंक नहीं, हम लोगों को गाँव में जाने के लिए रास्ता नहीं, ये रास्ता सीधे हमारे गाँव में जाता है, पर इस रास्ते पर मतलब कोई आज तक काम ही नहीं हुआ है। यूपी के कौशाम्बी में 28 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वहीं युवक का शव गांव के बाहर खेत में खून से लथपथ मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना में फील्ड यूनिट और एसओजी टीम ने मौके पर पहुंचकर हत्या से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं। युवक की हत्या से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल परिवारजन युवक की हत्या के बारे में कुछ भी बता पाने में असमर्थ दिख रहे हैं। क्या घटना खेत में डेड बॉडी मिली, क्या पूरा मामला? ये थाना कड़ाधान क्षेत्र में एक व्यक्ति की डेड बॉडी चकरोड के किनारे खेत में मिली है। अभी उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, डेड बॉडी में कई नौकीलत अपराध से हथियार से हत्या की गई है, क्या ऐसा मामला है? हत्या का ही प्रकरण दिख रहा है, पोस्टमार्टम में जो आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बाइक से जा रहे दो सगे भाइयों की कार भिड़ंत में मौत हो गई और अन्य दो लोग दुर्घटना में घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायलों को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल मझनपुर भेज दिया है। वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना में मृतक चेतराम हाल ही में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हुए थे और अपने भाई हृदय पाल के साथ शादी का सामान लेकर घर लौट रहे थे। क्या कुछ मामला यहाँ पे भैया, जो ये झगड़े को लेकर बताया जा रहा है, कोई सीसीटीवी कैमरे में? झगड़ा था, वैसे होता था देख के, यहाँ पे गाँव में दावत चल रही थी, उस दावत में हमारा बच्चा दावत परोस रहा था, दूसरे पक्ष वाले चुनावी रंजिश को लेके वो उदम करने की इच्छा थी उनकी, तो हमारा बच्चा दावत परोस रहा था तो उन लोगों को ने आके हमारे बच्चे पर हमला कर दिया। कौन लोग थे? पहले आया था साहब एक धन सिंह का लड़का है उस दिन, फिर उसके बाद उसका बड़ा भाई आया कृष्णा, फिर मान सिंह के लड़के आए, आकाश भी आया साथ उसमें, आकाश में तो आकाश ने आते ही उसे कहा पकड़ लो, सारे को फाड़ दो पकड़ के नहीं आया। और क्या बात हुई? अब बात ये होगी साहब, डेली आ रात को घर पे भी आया था, रात में धमकी भी देते हैं आने की, क्या साले तो अब उनके भाई का भी फोन आया था हमारे सर्विस से के साले या तो राजीनामा कर लेने, माँ बहन एक कर देंगे तो उनको गांव में सौ खड़ देंगे, धमकी दे रहे हैं डेली के। पूर्व में इन्होंने
प्रचार में जब चुनाव चल रहा था उससे पहले भी इसने धमकी दी थी, फरसा लेके आए थे, फरसा लाठी डंडे रिवॉल्वर भी लेके आए थे हमारे घर पे, राइफल भी लेके डोल रहे थे। अब दोबारा इन्होंने फरसा डंडे लेके नहीं, फिर दोबारा कुड़ारी लेके हम पे आक्रमण किया हमारे घर पे। इसको लेकर आपने पुलिस में सूचना एफआईआर दर्ज कराई? हमारे पुलिस को एफआईआर कराई थी हमने, हमारे मुकदमा साहब दर्ज कर लिया गया है, वो दूसरा पक्ष अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, आपकी तहरीर ली जाएगी, उनकी नहीं सुनी जाएगी, पुलिस ये बोल रही है। अभी पुलिस ने आपके कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने अभी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कहाँ के रहने वाले? अड्डा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।